हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं स्कैरी टीचर 3D का गेम। तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है वो बड़ा मजे का होने वाला है। तो चलो ऑब्जेक्टिव को पहले हम देख लेते हैं। इट्स टाइम टू रुइन मिस टी बर्थडे एंड स्टील हर जॉय जस्ट लाइक शी इज डन टू ऑल द किड्स इन स्कूल, ब्लो अप हर केक एंड एंजॉय द फायरवर्क। अच्छा, तो इस ऑब्जेक्टिव से पता चल रहा है कि मिस टी का बर्थडे है आज और हमने उसका शायद से केक खराब करना है या उनमें कुछ ऐसा करना है जिससे उसका बर्थडे खराब हो जाए। तो चलो गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो मिस टी हमारी आ चुकी है। अभी पता नहीं ये कहां पर जा रही है। किचन में है भाई, किचन में है मिस टी। निकल गई है किचन से, अभी पता नहीं क्या करेगी। और जस्ट एंटर हुई है हमारे मेन लाउंज में, टीवी लाउंज में। और ये उसका केक पड़ा रहा भाई। फाइंड द फायर क्रैकर। अच्छा, हमने फायर क्रैकर को पहले ढूंढना है, तभी हम अपना जो हमारा काम है वो ठीक से। ओए मिस टी लाउंज में ही है, टीवी लाउंज में घूम रही है, बस हमें देख ना ले। मिस टी हमारी ऊपर जा रही है, वो देखिए ऊपर चली गई। अभी हमें फायर क्रैकर ढूंढने हैं, फायर क्रैकर, बस हमें मिस टी देख ना ले। और ये केक है हमारा और फायर क्रैकर किचन में। मिस टी घूम रही थी, शायद से फायर क्रैकर हमारे किचन में पड़े हो, पता नहीं। ओए यहाँ पर कोई फायर क्रैकर नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो किचन में तो हमारा फायर क्रैकर नहीं है फिलहाल, तो अभी मुझे किसी और जगह पे फायर क्रैकर ढूंढना पड़ेगा, शायद बेसमेंट में हो। और बेसमेंट में, यार बेसमेंट में अभी तक मुझे कुछ भी काम का नहीं मिला, तो मुझे लगता है शायद फायर क्रैकर भी यहाँ पर नहीं होगा, इसीलिए बेसमेंट से जाके मैं ऊपर बाहर निकलूंगा। ओए दोनों जगह पे बियर ट्रैप रखे हैं और मैं शायद जंप से बियर ट्रैप को मैं उठा लेता हूँ। इसको मैं उठा भी सकता हूँ यार, ऐसी नहीं है, इसको यहीं पर फेंक देता हूँ भाई। और बियर ट्रैप को मैंने कहीं पर तो फेंक दिया। तो फायर क्रैकर हमारे किचन में तो नहीं थे, अभी हमें कई और जगह पर ढूंढने पड़ेंगे फायर क्रैकर। और अभी मुझे पता नहीं है उनका करना। ओए एक बियर ट्रैप में मैं फंस गया यार, लो बलो हमारी बैटरी लो हो गई भाई। अभी गेमिंग रूम में शायद फायर क्रैकर हो भाई, गेमिंग रूम में भी नहीं है। और ये वाला रूम अलहदा है कुछ अपने लिए, इसमें भी नहीं है। और भाई फायर क्रैकर को पहले ढूंढना होगा, तभी हमारा जो मिशन है वो हो पाएगा, जो हमारा प्रैंक है वो सक्सेसफुली हो पाएगा। और अभी मैं फायर क्रैकर ढूंढ ही, ओए कहीं से तो देख लिया मिस टी ने मुझे, कहीं से देख लिया भाई। किधर है, ओए वो रही हमारी मिस टीचर, तो उसने हमें बाहर से देख लिया भाई। फायर क्रैकर ढूंढना है भाई, मेरा पीछा छोड़ दे। ओए यहाँ से बस मैं बियर ट्रैप में ना फंस जाऊँ, बाहर जाके पहले इससे पीछे छोड़ाता हूँ। जैसे इससे पीछे छोड़, ओए बाहर आ गई लेकिन मुझे देखा नहीं है। अच्छा तो भाई, जब तक हमारी मिस टी अंदर चली गई तब तक मैंने एक हिंट ले लिया, क्योंकि मुझे फायर क्रैकर मिल नहीं रहा था, तो इसी वजह से मैंने मजबूरन हिंट ही ले लिया। तो फायर क्रैकर जो हमारे है वो शेड में है, जो कि हाउस के शायद से लेफ्ट साइड पर है। तो शेड से हमने पहले फायर क्रैकर लेने हैं, और शेड से फ़िलहाल हम बहुत ही दूर है, और शेड पे जाने का फ़िलहाल कोई शॉर्टकट शायद से नहीं है, बस मिस टी हमारी ना आ जाए। और ये रहा हमारा शेड, और मैं शेड के बहुत करीब हूँ, और मैंने शेड का, और ये रहा हमारा फायर क्रैकर, शायद से यही हमारा फायर क्रैकर है। इसको मैं उठा लूँ, ये तो मोमबत्ती की तरह लग रहा है भाई, ये कैसा फायर क्रैकर है। अभी जल्दी से मैंने इसको रिप्लेस द कैंडल विद द फायर क्रैकर। अच्छा तो मैं इसी वजह से सोच रहा हूँ ये तो कैंडल की तरह दिख रहा है, तो ये भाई कैंडल के लिए इसीलिए दिख रहा है ताकि हमारा प्रैंक सक्सेसफुली हो पाए और जो हमारी मिस टी है वो हमें पकड़ ही ना पाए। ऑलराइट, तो रिप्लेस कर दूँ मैं इस कैंडल को इससे। ओए 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 देख लिया भाई, देख लिया, लेकिन उसने शायद से मुझे प्रैंक करते हुए नहीं देखा। बाकी उसने मुझे तभी देखा जब मैंने ये कैंडल मैं लगा चुका था, मुझे पूरा यकीन है कि उसने मुझे नहीं देखा होगा कि मैं ये प्रैंक कर रहा हूँ। और मुझे ये ड्रिंक मिला है, मैं जल्दी से ये ड्रिंक उठा लूँ भाई, इसको मैं उठा लूँ।
ताकि मेरी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाए। बस अब मिस्टी हमारी केक के पास चली जाए, मैं बाहर से देखूंगा भाई। ओए, तो ये समझ रही है ये क्रैकर है और जो केक पे अटकी है वो ओए, ये फेल्ड कैसे हो गया भाई हमारा ये प्रैंक फेल्ड ही कैसे। ओए, मैंने मोमबत्ती को वहीं पर छोड़ दिया भाई, मैंने अपनी जो मोमबत्ती है उसको वहीं पर छोड़ दिया। शायद से मोमबत्ती को ले जाना था या क्रैकर को, तो वो समझ गई कि यार इसने अदला बदली की है जो मोमबत्ती है और फायर क्रैकर है उसकी, तो मुझे मोमबत्ती को छुपा लेना चाहिए था भाई। हमारा मिशन फेल्ड हो गया, हमारा जो प्रैंक है वो फेल्ड हो गया। ऑलराइट गाइस, तो ये प्रैंक हम दोबारा से अगली वीडियो में प्ले करेंगे। जब तक मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।